आज हम लोग चर्चा करते हैं इस्लाम का उदय, इस्लाम के उदय पर चर्चा करेंगे आज। उसके बाद भारत में तुर्क आगमन, तुर्क आगमन पर चर्चा करेंगे। यहाँ हम लोग गजनवी के विषय में पढ़ेंगे और गौरी के विषय में, इन पे चर्चा आज हमारी रहेगी। क्लास की शुरुआत करते हैं इस्लाम धर्म का कैसे उद्भव हुआ, ठीक है, कैसे क्या इस्लाम धर्म प्रभाव आगे बढ़ा, ठीक है, इस्लाम धर्म पे चर्चा होगी आज, ठीक है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब अभी इधर समझे पहले एक बुक है, प्रवर्तक का नाम मोहम्मद साहब, ठीक है। इनके बचपन का क्या नाम है, बचपन का क्या नाम था, इनके बचपन का नाम था अल-अमीन। बचपन का नाम है, जरा बात करें इनका जन्म कब हुआ, जन्म इधर जन्म कहाँ हुआ, मक्का में। मक्का किस देश में है, सऊदी अरब। जरा सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद। वेरी गुड। इधर मक्का में जन्म हुआ, जरा पिता का नाम बता दे, पिता अब्दुल्ला, माता अमीना। ये किस जनजाति के थे, जनजाति कुरैशी। इधर जनजाति कौन सी थी, कुरैशी जनजाति। इन्होंने प्रथम उपदेश, जैसे ना बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, पहला उपदेश किसे दिया, सारनाथ ने। सारनाथ ने किसे दिया, पांच ब्राह्मणों को, जिसे क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध जी ने पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में। और जो सारनाथ था, सारनाथ में कहाँ दिया, सारनाथ में कहाँ दिया, ऋषिपत्तनम सारनाथ का नाम है। सारनाथ में कहाँ दिया पता है, सारनाथ में दिया मृगदाव। ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इधर मृगदाव, मृगदाव का मतलब क्या होता है, हिरण का बगीचा। मृग माने क्या है, हिरण, अदाव मतलब क्या है, बगीचा। महात्मा बुद्ध, इधर महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला जो उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, आपने सारनाथ, मान लो एक विकल्प आ गया, विकल्प क्या दिया उसने, सारनाथ, ऋषिपत्तन, ठीक है, मृगदाव, ठीक है, काशी, क्या लगाओगे, सबसे सही उत्तर इसका क्या है, मृगदाव। मृगदाव का मतलब क्या है, हिरण का बगीचे। अगर तुमसे पूछा जाए हजरत मोहम्मद साहब ने प्रथम उपदेश किसे दिया, प्रथम उपदेश क्या, पत्नी। वेरी गुड, क्या बात है जितेंद्र, वेरी गुड। पत्नी किसे दिया, खदीजा। किसे दिया, खदीजा। प्रथम उपदेश दिया अपनी पत्नी खदीजा को, ठीक है। अच्छा, ये जब वो मक्का से मदीना गए तो एक संबत प्रारंभ हुआ, जिसे क्या कहते हैं, हिजरी सन। कब प्रारंभ हुआ, 622 ईस्वी। एक संबत प्रारंभ हुआ, उसे क्या बोलते हैं, हिजरी संबत प्रारंभ हुआ। इन्हीं की मृत्यु हो गई 632 ईस्वी,
632 ईस्वी में इनकी प्रतिष्ठा हुई। ठीक है, क्लियर। आ जाते हैं, ये तो मैंने जो संक्षिप्त जानकारी है वो बताई। ठीक है, अब देखिए हमारे देश के ही पास में, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आगे ठीक है सऊदी अरब, बात कर लेते सऊदी अरब की। सऊदी अरब एक देश है जिसकी राजधानी रियाद। यहाँ का एक शहर है, शहर का नाम है मक्का। शहर का नाम क्या है? मक्का। पता है मक्का से कुछ ही दूरी पर, 150 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर है जिसका नाम क्या है? मदीना। ठीक है, लगभग दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर। समझिए, इधर पीछे राहुल, ठीक है, 150 किलोमीटर की दूरी है मदीना शहर है। हम बात कर रहे हैं, पता, बात कर रहे हैं छठी शताब्दी की। ठीक है, छठी शताब्दी की बात कर रहे हैं। ठीक है, होता क्या है, ये मक्का पूरी जमीन ऐसी है, बालू वाली मिट्टी है। ठीक है, ज़्यादा ये मिट्टी कैसी उपजाऊ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मक्का है, मक्का में जनजातीय लोग रहते थे, जनजाति लोग रहते थे। एक जनजाति थी जिसे कहते हैं कुरैशी जनजाति, कुरैशी जनजाति कबीले के रूप में रहते थे। जैसे नहीं कबीले पड़े कि जैसे ऋग्वैदिक काल में पड़े, ठीक है, कबीले के रूप में यहाँ लोग रहते थे। कबीले का मुखिया हुआ करता था, जो मुखिया होता था, इधर अभी नोट क्या करें, जो कबीले का मुखिया होता था वो शासन करता था कबीले पर। ठीक है, कुरैशी जनजाति, और सब लोग क्या करते थे, ये सब लोग मूर्ति पूजा करते थे। मूर्ति पूजा करते, समझे, ये लोग मूर्ति पूजा करते थे, और लगभग मूर्तियां थी 360 मूर्तियां। ठीक है, यहां का जो मुखिया था, ठीक है, मुखिया का नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का निकाह हो गया किसके साथ? अमीना के साथ। ठीक है, अब्दुल्ला का निकाह हुआ किसके साथ? अमीना के साथ में। इधर इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम है हजरत मोहम्मद साहब। एक बच्चे को जन्म दिया जिनका नाम है हजरत मोहम्मद साहब। समझिए, इधर पीछे अब्दुल्ला, अमीना, बच्चे को जन्म दिया, बच्चे का नाम है हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, अब समझिए जरा, इधर ये अमीना जब प्रेग्नेंट थी तभी अब्दुल्ला का निधन हो गया। जब अब्दुल्ला का निधन हो गया तो अब्दुल्ला की जगह कबीले का जो प्रमुख बना, इनका कौन बना? भाई बना, भाई बना। और भाई का नाम था, बताएं, अबू तालिब। कौन बना? अबू तालिब। अब प्रमुख कौन है? अबू तालिब। ठीक है, उसके कुछ समय के बाद जैसे बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे के जन्म हो जाने के बाद इनका भी क्या हो गया? निधन हो गया। पिताजी का भी निधन हो गया और माता का भी निधन हो गया। अब बच्चे का पालन पोषण, इधर बच्चे का जो पालन पोषण था वो इनके चाचा चाची और इनकी दादी ने किया। ठीक है, चाचा चाची और इनकी दादी ने। अबू तालिब इनके कौन थे? चाचा चाची, दादा दादी ने इनका पालन पोषण किया। ठीक है, अब होता क्या है, जब इनका पालन पोषण हुआ तो ये, अब देखिए ना, जब माता पिता नहीं रहते हैं तो जीवन एकदम अंधकारमय हो जाता व्यक्ति का। एक बहुत बड़ा सहारा होता माता पिता का। तो अब माता पिता नहीं है तो चाचा चाची जैसा चाहेंगे वैसा व्यवहार होता था। जैसे सब बच्चे जाते थे बकरी चराने के लिए,
तो ये बचपन में ये भी बच्चों के साथ में बकरियां वगैरह चराने के लिए जाएगा, ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब। उसके बाद क्या हुआ कि बड़े हुए तो यहाँ पानी की समस्या रहती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत पानी की थी। तो लोग क्या करते थे, जब खाना खाते थे तब भी क्या है, हाथ नहीं धुलते थे, और खाना खाने के बाद भी नहीं धुलते थे। तो इन्होंने कहा, शिक्षा दी कि व्यक्ति को भोजन करने से पहले भी हाथ धुलना चाहिए और उसके बाद भी हाथ धुलना चाहिए, व्यक्ति को अपने कपड़े स्वयं साफ करना चाहिए। इन्होंने व्यक्ति को यही शिक्षा दी कि वो अपने कपड़े अपने कार्य वो स्वयं करें, ठीक है, कपड़े स्वयं साफ करें और अपने कार्य को स्वयं करें। कभी कभी ये व्यापार के लिए भी जो है अपने चाचा के साथ में जाया करते, व्यापार करने के लिए। होता क्या है, एक दिन हजरत मोहम्मद साहब को पता है स्वप्न आया, स्वप्न देख रहे थे, ठीक है, स्वप्न में पता क्या आया, तुम नबी हो, नबी हो, तुम रसूल हो, ठीक है, रसूलुल्लाह नहीं, ठीक है, तुम नबी हो, तुम रसूल हो। रसूल का अर्थ है देवदूत, देवदूत, और नबी का अर्थ होता है सिद्ध पुरुष, समझे। जैसे तुम्हें स्वप्न आ जाए, जैसे नहीं किसी किसी कभी स्वप्न आ जाता है, अरे तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, असाधारण शक्तियां हैं, तो व्यक्ति क्या है वो, अगर उसने उस स्वप्न को सिद्ध करने का प्रयास किया तो महान बन गया। तो इन्हें एक स्वप्न आता है, तुम नबी हो और तुम रसूल हो। नबी का अर्थ होता है सिद्ध पुरुष और रसूल का अर्थ होता है देवदूत। रसूल का अर्थ क्या होता है, देवदूत, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम रसूल हो, तुम नबी हो, ठीक है। जैसे ही विचार आए वैसे ही पता है ये चले गए, पता कहाँ गए, मक्का में ही एक गुफा थी, मक्का में हीरा, हीरा नामक गुफा, हीरा नामक क्या थी गुफा, कब, 610 ईस्वी में मक्का में हीरा नामक गुफा में तप किया। तप करने के बाद इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, तो इन्होंने पता क्या किया, मूर्ति पूजा का जो है क्या करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया कि अब भाई कोई मूर्ति पूजा नहीं करेगा। अब समझिए, इधर सब मूर्ति पूजा के समर्थक विरोधी है अकेले, तो इन्होंने विरोध जो करना शुरू किया वो छिप करके विरोध करते, जैसे कोई मूर्ति ली तोड़ के डाल दी, देखो जो मूर्ति आप अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती वो आपकी सुरक्षा क्या करेगी, कभी कभी लिख दिया आपने, ठीक है, मूर्ति पूजा से बचो। तो लोगों के अंदर विचार ये आज जाग रहे हैं कि अगर कहीं मूर्ति पूजा वाला आपको मिल जाए, ये जो विरोध कर रहा है, कभी हम इनसे मुलाकात करें भाई कौन सा विरोध कर रहा है, क्योंकि लोगों की आस्था थी मूर्ति पूजा में और उनके जीवन यापन का साधन क्या था, मूर्ति पूजा, क्योंकि जो चढ़ावा चढ़ता था उसी से लोग जीवन यापन करते थे, खेती से उत्पादन था नहीं, समझिए इधर, कोई कारखाने ऐसे थे नहीं, पेट्रोलियम था पर उसका दोहन नहीं हो रहा था, ना तो कोई जो है यातायात के साधन थे जो इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो क्या इन पर जो चढ़ावा चढ़ता था उससे व्यक्ति क्या करता था, जीवन यापन करता था। अब हजरत मोहम्मद साहब ने उसका मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू किया, इधर इधर समझे बात कर रहे, मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू किया, और जैसे ही शुरू किया कुछ समय के बाद इन्होंने अपनी पत्नी को बताया, पत्नी का क्या नाम था बताए, खदीजा, जो खदीजा समझिए इधर, खदीजा के बारे में बताएं, खदीजा विडो थी, ठीक है, खदीजा जो थी वो विडो थी, और खदीजा की एज और इनकी एज में भी बहुत ज़्यादा अंतर था। खदीजा एक व्यापारिक घराने को बिलोंग करती थी और खदीजा के प्रतिनिधि जो थे वो कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब, उनके यहाँ प्रतिनिधि के रूप में काम करते थे। फिर आगे चल करके खदीजा से क्या किया, निकाह कर दिया। जब खदीजा से निकाह हो गया तो इन्होंने खदीजा से कहा कि ऐसा करिए ना, इस्लाम स्वीकार कर लीजिए, इन्होंने कहा इस्लाम स्वीकार कर लीजिए। खदीजा ने भी इस्लाम स्वीकार नहीं किया और इनके चाचा अबू तालिब ने भी इस्लाम स्वीकार नहीं किया।
दोनों का निधन हो गया, पता है 619 ईस्वी में, 619 ईस्वी में दोनों का निधन हो गया, ठीक है। परंतु इन दोनों लोगों ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। जैसे ही इनका निधन हुआ, निधन हो जाने के बाद कबीले का प्रमुख कौन बना बताए? क्या? अबू जहल। कबीले का प्रमुख कौन बना? अबू जहल। अब अबू जहल यही कहता था, कहता भैया ऐसा है ये इस्लाम का प्रचार कौन कर रहा है। तो पता चला इस्लाम का प्रचार उसने भाई गुप्तचर अपने लगाए, तो पता चला हजरत मोहम्मद साहब कर रहे हैं, इधर हजरत मोहम्मद साहब कर रहे हैं। फिर उसने हजरत मोहम्मद साहब को बुलाया, कैसा है या तो आपको मक्का में रहना है, मक्का में रहेंगे तो आप इस्लाम का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ के लोग आपको मार देंगे, इससे अच्छा है आप इस्लाम का प्रचार करें, मक्का से बाहर चले जाए, ठीक है। उसी समय की बात है, दरबार की ही बात है, दरबार में एक मदीना से व्यक्ति आता है और मदीना से कहता है कि हम जो है अबू जहल से कहता है, कहता है हम हजरत मोहम्मद साहब को लेने आए। हजरत मोहम्मद साहब भी कहते हैं तो बहुत अच्छा है, यहाँ से हमसे कहा जा रहा है यहाँ या तो चुप रहो या तो यहाँ से जाओ, और वही तुरंत हमको लेने भी आ रहा है स्वागत के साथ में, ठीक है। तो हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले गए। जब मक्का से मदीना गए तो एक सम्मत प्रारंभ हुआ, उस सम्मत को क्या कहते हैं? हिजरी सम्मत। हिजरी सम्मत कब प्रारंभ हुआ? 622 ईस्वी, समझिए। हिजरी सम्मत कब प्रारंभ हुआ? 622 ईस्वी प्रारंभ हुआ। अब यहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है, देखिए जरा इनके परिवार के विषय देखिए। ये ठीक तो नहीं है, अब्दुल्ला, अमीना, ठीक है, इनकी संतान भी नहीं, हजरत मोहम्मद साहब और हजरत मोहम्मद साहब की पत्नी बताएं खदीजा, खदीजा सात पत्नियां थी, एक आयशा सात थी, हाँ क्या क्या बता सात पत्नियां, हाँ लगभग सात पत्नियां, हमने आपको दो ही जिक्र किया है, खदीजा और आयशा सात थी कि नहीं बताया, ठीक है। और कोई मुस्लिम है? नहीं बताया। खदीजा आयशा इधर इनकी जो संतान हुई, इनकी जो संतान हुई उसका नाम क्या है? फातिमा। और फातिमा का निकाह किसके साथ हुआ? अली। अली और फातिमा की जो संतान हुई उसे हुसैन कहते हैं। हुसैन कहाँ शहीद हुए? इधर कर्बला। हुसैन कहाँ शहीद हुए? कर्बला में। समझिए, जब हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए, लगभग 150 किलोमीटर की दूरी है, तो संवत प्रारंभ हुआ हिजरी संवत। जैसे मदीना पहुंचे तो मदीना में सबसे पहले इन्होंने कुरान की रचना करवाई, कुरान की रचना। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कुरान, एक मिनट जरा, कुरान किस भाषा में लिखी गया? अरबी भाषा में। वेरी गुड, आपसे ज्यादा तो जल्दी वो उत्तर दे रहे हैं। सर हम जवाब दे नहीं रहे, अदरवाइज तो पता है, मौका दे रहे हैं उन्हें। अच्छा अच्छा ये कुरान जो है, कुरान किस भाषा में लिखी गई? अरबी भाषा में, ठीक है। अच्छा बिल्कुल बात नहीं, चलो छोड़ो। कुरान जो है अरबी भाषा में लिखी गई, मौका दे रहे हैं। कुरान में कितने अध्याय हैं, कितने सूरा है? इतना नहीं है, ऐसा हमको मौका दे रहे हैं। कुरान में कितने अध्याय हैं, अकुरान में कितने सुरा है, अरबी मुस्लिम है, कुरान में कितने अध्याय हैं, कितने सुरा है? सुरा अध्याय इधर 114 सुरा बोला जाता है या अध्याय बोला जाता है? अध्याय बोला जाता है। जैसे हमने बताया ना, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, जैसे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई,
जब हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे इस्लाम में कहा क्या गया? उसे इस्लाम में क्या कहा गया? नोट करने, खुदाई इल्हाम, खुदाई इल्हाम, खुदाई इल्हाम। जैसे हजरत मोहम्मद साहब मदीना पहुंचे, मदीना में कुरान की रचना करवाई और कुरान अरबी भाषा में लिखी गई, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यहीं पर एक मस्जिद बनवाई, मस्जिद बनवाने के बाद सबसे पहले कहा आप बहु ईश्वरवाद त्यागे, एक ईश्वरवाद में आए, बहुत से ईश्वर को मानने की बजाय आप एक ईश्वर को माने। और यहीं पर इन्होंने कहा जो मुसलमान है वो जो है वो पांच नियमों का पालन करेगा, मुसलमान जो है वो पांच नियमों का पालन करेगा, वही मुसलमान है, ठीक है। वो पांच नियम कौन कौन से? क्या पहले तुम बताओ। हाँ एक मिनट, तुमने वो पढ़ा है? हाँ और कौन बताए? और नहीं और बताओ। एक मिनट, इन्होंने कहा अपनी आय का 2.5% दान करना, बट 2.5% एक मिनट, 2.5% दान करना, दान को क्या कहा गया? दान, एक दान, 2.5% दान करना, हाँ इसे क्या कहा गया? ज़कात, इसे ज़कात, ज़कात कहा गया। हाँ दूसरा, मक्का जाना मतलब हज करना, हज करना, हाँ दो सही है। नमाज, नहीं दिन में पांच बार नमाज, नमाज पढ़ना, और बताओ। रोजा, रोजा मतलब व्रत, और बताओ। अरे बकरीद नहीं है, एक बताओ, इतना नहीं है, एक बताओ। हाँ हाँ बोले, सही बोले, नहीं बताइए। पांच नियम है मुसलमानों के, एक तो जकात, क्या ये परसेंटेज सही लिखा है? सही लिखा है, ऐसा है। इसके बारे में भी सुन लीजिए, जकात 2.5% मिनिमम देंगे, अधिकतम आपकी श्रद्धा, इधर इतना तो आपको अपनी आय का देना है, या 1/40% इधर, इधर 1/40% इधर, आय का 1/40 भाग, 1/40 भाग दे, जो आ जाएगा 2.5% इधर। या तो आप पता क्या करें, या तो आपको क्या करना है, कम से कम इतना 2.5% देने देना है, अधिकतम आप स्वतंत्र है, जितना भंडारा लगाना चाहे भंडारा लगाए, ठीक है। हज करें, हज आपको मक्का मदीना जाना पड़ेगा, एक बार तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी। दूसरा नमाज पढ़े, नमाज कितने समय की है? 5 मिनट इधर। फिर क्या, रोजा रखना, इधर इधर देख लो ना, थोड़ी देर के लिए पढ़ लो, सही है, ठीक है, सब पढ़ाएंगे इधर से उधर। ये सोचो ना, पांच इनको भी नियम नहीं पता हो रहे हैं, अभी एक पे ये लोग भी रुक रहे हैं। रोजा रखना, रोजा के बाद एक सुबह पढ़ा जाता है रोज कलमा, सही, वेरी गुड, कलमा पढ़ना, ठीक है। इधर पांचवा क्या है? कलमा पढ़ना, ठीक है। ये पांच नियम बताए, इन पांच नियमों का जो पालन करेगा वही क्या है? वही मुसलमान है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इन्होंने कर बताए, भाई व्यक्ति को क्या चाहिए? टैक्स दें, कितने कर बताए इन्होंने? कितने कर बताए? बताए कर, कर कितने बताए? तीन कर बताए, इधर एक था सदका, एक था जकात, एक था उर्स।
सदका जकात और उर्स, सदका जकात और उर्स। नहीं मेरी आप सही हो, सदका जगात और उर्स, समझिए इधर, ये सदका लिखा, ये ऐच्छिक कर था, जकात एक धार्मिक कर था, और उर्स एक उपज संबंधी कर था, उपज ये लगभग 1/10 भाग लिया जाता है, 1/10 ठीक है, उपज का 1/10, सदका जकात और उर्स, सदका जकात और उर्स। अगर पूछा जाए पहला मुस्लिम शासक कौन था, ये शासक भी थे हजरत उमर साहब, इन्होंने शासन किया अपने दौरान, इन्होंने लगभग 3 युद्ध लड़े और 3 युद्ध भी इन्होंने जीते, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इनकी मृत्यु, मृत्यु हुई 8 जून 632 ईस्वी। मृत्यु के संदर्भ में दो स्टेटमेंट आते हैं, एक यहूदी का आता है, यहूदी बताते हैं, जिसे बहुत कम इतिहासकार मानते हैं, समझिए इधर, यहूदी क्या कहता है, यहूदी कहता है कि यहूदी इन्हें बुलाता है, दावत देता है, और भुनी हुई भेड़, भेड़ तो नहीं, भेड़ भूनता है, भेड़ भूनने के बाद इन्हें खिलाता है, कहते गले में बहुत ज़्यादा खराश हो रहा है, ठीक है। तो यहूदी हंसता है, कहता है कि हमने तुम्हें जो है भेड़ में जहर मिलाया, अगर तुम नबी हो, तुम सिद्ध पुरुष हो, तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, अगर तुम आम इंसान हो तो मृत्यु हो जाएगी। तो हजरत उमर साहब भर जाते और आयशा से कहते हैं, क्योंकि खदीजा की मृत्यु पहले हो चुकी थी, आयशा से कहते हैं, कहते हमें लगता है हमारी तबीयत सही नहीं है, हमारी मृत्यु होने वाली है। मिला इस स्टेटमेंट को बहुत कम इतिहासकार मानते, ज़्यादातर यही मानते इनका वक्त अब हुआ और 8 जून 632 की मृत्यु, ठीक है। मृत्यु हो जाने के बाद इनके उत्तराधिकारी जो थे वो क्या कहलाए, खलीफा, खलीफा कहलाए, खलीफा इधर नहीं, बहुत बार कभी किसी मंत्री के पास जाओ, और विशेष तो मुस्लिम मंत्री हो या कोई उर्दू का ज्ञाता हो, थोड़ी बहुत उर्दू जानता होगा तो कुछ वो शब्दों का प्रयोग उर्दू भी करता है, ठीक है। जैसे नहीं उसके यहाँ बैठेंगे क्या कहते हैं, तशरीफ रखे, ठीक है, जैसे उसके यहाँ देखिए हमारे जाने में अहमद हसन जी थे, अब तो नहीं रहे अहमद हसन जी, तो उनके यहाँ हमारा आना जाना रहता था, तो वो कोई आ जाता था भैया मौलवी वगैरह, वो कहता था भैया मंत्री जी का खलीफा कौन है, मंत्री जी का खलीफा कौन है, तो वो कह रहे थे हाँ हम खलीफा है, ठीक है। कोई बैठा होगा वो कहता हाँ हम खलीफा रहता होगा, खलीफा शब्द का अर्थ होता है प्रतिनिधि, ठीक है, प्रतिनिधि एग्जाम में पूछा जाता है, खलीफा शब्द का अर्थ क्या है, प्रतिनिधि। तो हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो जो खलीफा हुए इस्लाम धर्म के, जो धर्मगुरु हुए, ये अर्थात कहीं उनके जो प्रतिनिधि हुए, वो कह रहे चार हुए, इधर जो चार तुम कह रहे हो, चार प्रथम चार खलीफाओं को पवित्र पवित्र खलीफा माने, ठीक है, अबू बक्र, ठीक है, उस्मान, उमर और अली, ठीक है, अबू बक्र, उमर, उस्मान और अली, ये चार खलीफा नोट करने, इन चारों खलीफाओं को पवित्र खलीफा कहा गया, इन चारों खलीफाओं को पवित्र खलीफा कहा गया, चार खलीफाओं को क्या कहा गया, पवित्र खलीफा कहा गया। ठीक है, डर समझिए, अब यहां पर होता क्या है, ये चार खलीफा जिन्हें पवित्र खलीफा कहा गया, ठीक है, तो हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खलीफा का पद चला, और प्रारंभ के चार खलीफा जिन्हें पवित्र खलीफा कहा गया, उसके बाद तुर्की में खलीफा के पद के लिए लड़ाई हुई, ठीक है, और खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया, कब, 1924 में, किसने किया, तुर्की के सुल्तान मुस्तफा कमाल पाशा, नोट कर लें,
खलीफा का पद अगर पता है तो बहुत बोलोगे। खलीफा का पद टर्की के सुल्तान मुस्तफा कमाल पाशा ने कब समाप्त कर दिया? 1924 में। अच्छा, उस हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद ये धर्म दो भागों बट गया, एक कहलाए सुन्नी एक कहलाए सिया, एक सुन्नी कहलाए एक सिया कहलाए, सिया सुन्नी, ठीक है, सिया सुन्नी। ज्यादातर लोग ज्यादा जनसंख्या अगर देखें तो शायद सुन्नी ही है, हमारे यहाँ ज्यादातर सुन्नी ही है, ईरान में सिया ज्यादा है, ठीक है। और सिया लोग शायद काले कपड़े पहनते हैं, सिया लोग जो हैं वो काले कपड़े पहनते हैं। सर सारे प्रिफर करते हैं ब्लैक। अच्छा, ब्लैक ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। इधर जो सिया सुन्नी है इनमें क्या है, इनमें अंतर क्या है? जो सुन्नी जो है, हाँ बोलो। अजल को बस सुन्नी मतलब नहीं, सुन्नी वाले अली को मानते थे, सुन्नी वाले अली को मानते हैं सर, बाकी जो सिया गलत है। इधर नहीं, ये गलत है, उल्टा बता रहे। जो सुन्नी है, इधर सुन्नी है वो हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षा में विश्वास करते हैं, और ये सुन्ना में विश्वास करते हैं। किसमें विश्वास करते हैं? सुन्ना में। और जो सिया है वो हजरत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हैं अली, अली की शिक्षा में विश्वास करते हैं, ठीक है। ये अली की शिक्षा में विश्वास करते हैं, ये सिया और ये सुन्नी, ठीक है। दोनों भाग अलग अलग रहे, ठीक है, थोड़ा ही मतभेद है, कोई ज़्यादा खास नहीं। अब हम चर्चा करते हैं भारत में सबसे पहले मुसलमान आए कब? 712 में। मोहम्मद बिन कासिम बताना चाहते हो क्या? नहीं, भारत में पहली बार मुसलमान आए कब? भारत में पहली बार मुसलमान। अच्छा, ज्योग्राफी में ये पढ़ा है, ये वाला इस वाले तक को क्या बोलते हैं? माला वाला। इस वाले तक को गौरमंडल तट। इधर ये जो मालाबार तट है, इस मालाबार तट पे पहली बार मुसलमान आए कब आए? 640, ठीक है। अगर तुमसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में मुसलमान पहली बार कब आए, तो भारत में मुसलमान 640 ईस्वी में आए पहली बार मुसलमान। सर कहाँ से आए थे? ठीक है, मिडिल एशिया से, ठीक है, पहली बार मुसलमान है। अब इधर समझिए जरा, देखिए हमारे देश में आने के लिए इधर ये ये सब अरब सागर, इधर ये बंगाल की खाड़ी, इधर ये अराकान युमा, ये वो तुम देखते हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय का एक भाग है। अरे ज्योग्राफी में पढ़ा है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसका भाग है? हिमालय का ही भाग है। इधर ये रेंज म्यांमार की तरफ अराकान युमा है, अराकान युमा, इसके बाद ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, सब कुछ पड़ता है, इसे क्रॉस करके आ सकते हैं उधर से, बहुत कठिन काम है, ठीक है। हथियार हथियार लेकर के आना तो और कठिन काम है। इधर उसके बाद आ जाओ इधर, इधर आते हो, अगर अफगानिस्तान की बात करें, इधर अफगानिस्तान की बात करें, लगभग अफगानिस्तान में 80% पर्वतीय क्षेत्र है, अफगानिस्तान में, इधर अफगानिस्तान में 80% पर्वतीय क्षेत्र है। अफगानिस्तान जैसे आज अभी आपने देखा है, अमेरिका अभी अफगानिस्तान से भाग गया है, अमेरिका से पहले रसिया आया, और रसिया की आर्मी थी उसे रेड आर्मी बोला जाता था, रेड आर्मी। तो जब रसिया आया कहाँ, इधर अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान देखिए ना शिक्षा का स्तर डाउन है। वो व्यक्ति बैठा है, वो नहीं है, वो शायद एक कांच की एक गोली होती वो खेला जाता है, कंचा टाइप का कुछ भी, ठीक है, गाँव में बच्चे छोटे छोटे खेलते रहते हैं। वो देखे ना, या तो बच्चा पढ़ने जाएगा इधर, या तो बच्चा पढ़ने जाए, या तो फिर वही काम खेलता रहे, ठीक है। वहाँ शिक्षा का स्तर डाउन है,
तो बच्चे वही खेलते रहते, तो उनका निशाना एकदम सटीक होता है बचपन से ही। फिर उसके बाद शिकार करना, देखिए गलत, जब 80% क्या है पर्वतीय क्षेत्र है तो क्या है पक्षी चीज शिकार करके जीवन यापन करेगा। अरे भैया भूटान क्या है, इधर भूटान पर्वतीय क्षेत्र है तो भूटान के लोग शिकार करेंगे, तो उन्होंने अपना राष्ट्रीय गेम भी क्या कर दिया, तीरंदाजी कर दिया, ठीक है। इधर यहाँ लोग क्या करेंगे, इधर यहाँ लोग क्या करेंगे, शिकार करेंगे, तो शिकार करने में निशाना उनका अच्छा हो गया। अब भैया रेड आर्मी, उनकी रेड आर्मी आई हो अब रसिया की, भैया इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, रसिया वाले छोड़ के अफगानिस्तान चले गए। अफगानिस्तान के ऐसे लोग हैं जो स्वयं तो शासन करना नहीं चाहते और दूसरे को करने नहीं देते। भैया तालिबान के को भगाने के चक्कर में लादेन को पकड़ने के उद्देश्य से अमेरिका आ गया पाकिस्तान, उसमें अफगानिस्तान में। जब अमेरिका आया तो अमेरिका को इतना परेशान किया, जैसे दो लोग बैठे हैं, उन्होंने कहा क्या करूँ, ये गाड़ी जा रही, भाई जब पर्वत पे गाड़ी जाती है तो बिल्कुल किनारे किनारे से, शायद अगर हिल एरिया में गए किनारे किनारे से जाती गाड़ी, तो उन्होंने कहा इसे तुम गिरा सकते हो, उसने कहा बिल्कुल एक ही फायर में गिरा देंगे पूरी पूरी गाड़ी और सबके सब मारे जाएंगे। तो बता उसने क्या किया, कहा ठीक है चलो गली सर, सर्दी लगी और गाड़ी आ रही भैया, और उसने जैसे ही मोड़ पे वैसे फायर की और फायर आगे वाले पहिए की, वो गाड़ी पूरी की पूरी खंडहर बिगड़ी जा रही, पूरी की पूरी खंडहर बिगड़ी जा रही, सबके सब मारे गए। भैया अमेरिका को सबसे ज़्यादा लॉस हो, ठीक है सबसे ज़्यादा लॉस हुआ अफगानिस्तान में, यहाँ से नहीं भाग गए, ठीक है हथियार हथियार छोड़ करके भाग गए, ठीक है नहीं तो क्या है, एक जाने से पहले उनको एक सही सिस्टम दे के जाते, सही शासन व्यवस्था दे करके जाते, जैसे वहाँ शिक्षा प्रगति के द्वार घूमते रहते, अब क्या है वैसे वैसे हो। तो ये पूरा क्षेत्र वैसे ही है, 80% मान चले 20% में ही खेती वगैरह होती है, ठीक है हम लोग अभी अनाज भेज रहे हैं, ठीक है अनाज अब तो पाकिस्तान से जाता था, पाकिस्तान वाले कहते थे तुम्हारे ट्रक से नहीं जाएगा हमारे ट्रक से जाएगा, और जो अशिक्षित थे वो जानते थे भाई अनाज कहाँ से आ रहा, पाकिस्तान से आ रहा, अनाज कहाँ से आ रहा पाकिस्तान से आ रहा, इंडिया नहीं जानते थे बहुत से लोग, परंतु मोदी जी उनसे भी एक कदम आगे निकले, बोले पाकिस्तान से तो नहीं जाएगा, अब सीधे भैया चाबहार बंदरगाह ईरान से वहाँ से सीधे भेज देंगे, ठीक है अब तो डायरेक्ट अफगानिस्तान जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आने के भी रास्ते कम हैं परंतु दर्रे हैं, दर्रों के रास्ते, दर्रे क्या होते पर्वतों के बीच में सकरा रास्ता निकलने वाला, ठीक है उनके रास्ते से लोग क्या करते हैं आते हैं, ठीक है आप सोचिए कि यही रास्ता आने का है हमारे इधर इस भारतीय उपमहाद्वीप पे एकदम बंद है, बंद क्या है मतलब बांग्लादेश देख लीजिए, भूटान है, नेपाल है, ठीक है और जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है एकदम बंद है क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ आने के लिए क्या रास्ता है, या तो आप इधर से आइए अफगानिस्तान मकरान अकरान दर्रे से आइए, ठीक है आने का रास्ता ये है। तो लोग क्या करते थे इस वाले रास्ते से बहुत कम आते थे, अब इस्लाम का विकास हो चुका था मिडिल एशिया में, तो लोग पता कहाँ भाग रहे थे, चाइना की तरफ भाग रहे थे, कहाँ जाए चाइना लूटने जा करके, चाइना के लिए लूटने के लिए लोग जाते थे, और चाइना मिडिल एशिया के लोगों की हाइट ज़्यादा है, और चाइना के लोगों की हाइट क्या है कम है। अब जैसे तुम एक तुलना करो इधर इधर, जैसे तुम चलो ठीक है कहीं जा रहे हो, तुम्हारे साथ एक छोटा बच्चा वो चल रहा हो, और तुम अपनी स्पीड से जैसे नहीं यार एक काम चलना होता है वैसे तुम चल रहे हो, तो छोटा बच्चा क्या दौड़ता है, दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है, तो ये या तो पीछे रह जाएगा। तो क्या हुआ ये भैया ये लोग मिडिल एशिया से कहाँ लूटने गए, चाइना लूटने गए, चाइना ने क्या किया भाई, चाइना के लोग परेशान हो गए, वहाँ के राजा ने क्या किया भाई क्या करें भाई दीवार कैसे हो सकता है, चलो दीवार बनवा, दीवार बनी पहले से बनी थी उसे और दुरुस्त किया गया भाई, चीन की दीवार विस्तार किया गया, तो ये लोग क्या करें भाई होशियार निकले, अपने साथ सीढ़ी लेकर के जाने लगे, सीढ़ी लगाए उधर जंप कर गए, लूट के आ गए, ये लोग जैसे पकड़ने का प्रयास करते थे कभी भी पकड़ नहीं पाए, ठीक है क्योंकि उनकी हाइट ज़्यादा थी और चाइनीज लोगों की हाइट कम थी, कभी भी उन्हें पकड़ नहीं पाए। तो वहाँ के राजा ने सलाह दी भाई ऐसा करो ना तुम उन्हें कभी पकड़ सकते नहीं हो, तो तुम पत्थर बड़े बड़े गर्म करो, ठीक है और जब ये आए तो इसका गर्म गर्म पत्थर, ठीक है ये खुद यहाँ से मूव हो जाएगा।
तो बिल्कुल वैसे ही हुआ। फिर इन लोगों ने क्या किया, ये चीन जाना छोड़ दिया। अब इनका दिमाग किधर हुआ, भारत की तरफ हुआ। अगर भारत के विषय में इधर यहाँ पर एक देश है जो श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका के राजा इधर सीरिया, सीरिया में खलीफा था वाजिद, इधर सीरिया में खलीफा था वाजिद, यहां से एक नाव के माध्यम से इधर इधर बैठ जाओ, क्यों इतना लेट करते हो, इधर इधर जगह समझिए, इधर यहाँ के श्रीलंका के राजा ने एक नाव के माध्यम से, देखिए कभी भी नाव जाएगी या कुछ भी जाएगा, प्लेन गुजरता है, एरोप्लेन गुजरता है, ज़्यादातर स्थली मार्ग से गुजरता है, कि जैसे कहीं कोई टेक्निकल दिक्कत हुई तो वो किसी न किसी देश में क्या होगा, मदद मिल जाएगी। अगर हम सीधे सीधे समुद्र के रास्ते से गुजरेंगे, कहीं ना कहीं कोई समस्या हुई तो फिर क्या जाने जाना। तो ज़्यादातर क्या होता है, प्रयास किया जाता है यही, हम किधर से जाएँ, ठीक है, स्थली मार्ग से जाए, कहीं ना कहीं कोई देश होगा वहाँ पर रुक जाएंगे। और जब पानी का जहाज कोई जाता है तो वो भी ऐसे रास्ता गुजरता है कि ऐसा ना हो कहीं ना कहीं हमको कोई मदद मिल जाए बीच में, ठीक है। तो ये क्या करते थे, पहले जो पहले व्यक्ति आते थे, जैसे तुमने पढ़ा हो वास्को डी गामा आया हो, बार्टोलोमेउ डियास आया हो, केप ऑफ गुड होप तक आया हो, तो वो भी किनारे किनारे आता था। तो श्रीलंका के लोग आए किनारे किनारे, इधर से इधर यहाँ तक आए, जो पाकिस्तान है इस समय जहाँ का सिंध प्रांत है, यहाँ का राजा हुआ करता था दाहिर, दाहिर राजा हुआ करता था। तो यहाँ लुटेरे लगते थे, जैसे नहीं अब हम अफ्रीकी देशों में लुटेरे लगते हैं, ठीक है, हारना अफ्रीका के पास में, ठीक है, सोमालिया के पास में लुटेरे रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे यहाँ लुटेरे थे। और श्रीलंका के राजा ने पता है एक बड़ी सी नाव पे मदिरा, ठीक है, हीरा जवाहरा और सुंदरिया कहाँ भेजा था, सीरिया भेजा। ये जब नाव यहाँ आई तो दाहिर के राज्य के लोगों ने क्या किया, लुटेरों ने लूट लिया, ठीक है, लूट लिया। और नाव वाला बेचारा क्या हुआ, बेचारा वापस चला आया, उसे छोड़ दिया। जब नाव वाला वापस आया तो उसने कहा ऐसा है, वहां लूटा गया गिफ्ट, एक तो कोई गिफ्ट खरीदता है बड़ा मुश्किल से गिफ्ट देता है, और वो जिस आदमी को देना चाहता वो उस आदमी तक पहुंचे नहीं, पहले लूट गया। तो उसने कहा ठीक है, अब इसने क्या किया, इधर एक दूत भेजा और दूत गया सीरिया और वाजिद से मिला, कहता है कि अरे हमने आपके लिए वो एक किलो सोने की जगह उसने 10 किलो सोना होता है बड़ा चढ़ा के कहा, वो मदिरा ऐसी मदिरा थी बहुत अच्छी मदिरा भेज रहे थे, पर क्या करे दाहिर ने क्या किया लुटवा दिया। सर दोषी कौन है, दाहिर है, दोषी कौन है, दाहिर है। अब सुन लो इधर, तो क्या हुआ, वाजिद ने उस्मान से कहा कि भाई किसी को भेजो, तो दो दूत भेजे गए कि जाओ दाहिर के राज्य में जाओ। अब देखो ना, जो मक्का जैसे शहर में रहे, मिडिल एशिया में रहे, जो सऊदी अरब का व्यक्ति रहने वाला, जिसने सदैव बालू वाली मिट्टी ही देखी, वो जब भारतीय क्षेत्र में आता है, भारतीय क्षेत्र में कहाँ, जिसे जिस मिट्टी को पहले लैंड ऑफ द गोल्ड कहा जाता था, वो देश मेरा जो सोना उगलता था, वहाँ उस जमीन से गुजरा, ठीक है, तो उसने देखा है, नदी भाई इंडस निकल रही है, उसकी सहायक नदियाँ बहुत थी, तो जैसे ही वो नदियों से गुजरा, देखा नदी, तो उसे लगा नदी कैसा पानी कैसा होगा, खारा पानी होगा, उसने कहा लाओ पी करके देखिए, उसने पिया पानी, मीठा मीठा पानी, उसके विचार बदल गए, अरे कितना बढ़िया पानी है, हम लोग खारा खारा पानी पीते हैं, यहाँ पानी कैसा है, मीठा पानी। यही मार्च मार्च का समय था, वो खेत से गुजर रहा था, उसने खेत देखा गेहूँ का खेत, तो गेहूँ के खेत में बाली भी ऐसे से, तो उसमें दाने देखे पता 70-80 दाने, और वहाँ क्या होता था ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 दाने आते थे, उसने देखा 70-80 एक बाली में 70-80 दाने, अरे क्षेत्र इतना अच्छा क्षेत्र है, उसे क्या विचार कहते हैं इधर, वो अभी तक क्या आ रहा था संदेश लेकर के कि ये दाहिर क्या करे, जो इन्होंने लूटा है वो दे दे, केवल संदेश ले, संदेश यहाँ देने आ रहा है, होता क्या इसके विचार चल रहे हो गए, वो सोचता अगर हमारा राजा यहाँ राज्य करे तो हम कितना धनाढ्य हो जाएंगे।
जनता कितनी प्रसन्न हो जाएगी, उसके अंदर विचार चल हो गए। अच्छा सुनिए इधर, अब तुम्हें पता है जैसे ही ये दाहिर के यहाँ पहुंचे जो दूध थे उसके, दाहिर हम लोगों के यहाँ सदैव परंपरा रही है, कोई दूत आता था, कोई संदेशा लेकर के आता था, व्यक्ति उसको सम्मान देता था, स्वागत किया जाता था, भाई आप आए हैं, अतिथि हैं, अतिथि देव हो, समझ गए। तो उसने पता क्या किया, दाहिर ने बड़ा ज्यादा स्वागत किया और स्वागत करने के बाद ये जो है विदा किया। उसने कहा भाई देखो लुटेरे हैं, हमारे तो है नहीं, अगर आप सेना लेकर के आए तो हम भी मदद करेंगे और आप भी एक दूसरे से मिलकर के यहाँ से भगा दिया जाएगा लुटेरों को, फिलहाल हम प्रयास करेंगे अगली बार ऐसी घटना नहीं होगी। भैया ये दूतों को गिफ्ट दे दिया, जाओ भाई वापस। दूत गए वापस तो वाजिद से मिलते, वाजिद से कहते कहते अरे हमको तो उसने दाहिर ने बहुत मारा, कहा किसी में हिम्मत नहीं है जो यहाँ आ जाए, ये हमारा अखंड राज्य है और हमारा एक समय आएगा तो हम सीरिया तक राज्य करेंगे। बढ़ा चढ़ा करके दूतों में बात करें, ठीक है, मोबाइल का जमाना नहीं था, नहीं तो फोन से बात हो जाती। तो पता है बढ़ा चढ़ा के जब बात कही गई तो फिर उसने उस्मान ने अपने दामाद भतीजे व दामाद किसे भेजा, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, समझे, इसकी एज लगभग थी 17 वर्ष, ठीक है। और ये हम बता रहे हैं इसके अकॉर्डिंग चचनामा, चचनामा के अकॉर्डिंग बता रहा है। मोहम्मद बिन कासिम आता है और मोहम्मद बिन कासिम जैसे ही आता है हर क्षेत्र लूटता हुआ, पहली बात ये पूछा जाता आया तो भारत में किस दर्रे से आया, किस दर्रे से आया, क्या मकरान, उत्तरान दर्रे से आया, मकरान दर्रे से भारत में आता है, समझिए तो एक ही दो बातें बहुत हुई, ठीक है। मकरान दर्रे से भारत आया, आने के बाद इधर ये दाहिर समझता है कोई लुटेरा आया होगा, लूट करके चला जाए, पहले ऐसे लुटेरे आते रहते थे, तो उसने कहा लुटेरा आएगा, लुटेरा लूट करके चला जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, देवल, देवल देवल जीत लिया, सबसे पहला भाग जीता लूट करके, सबसे पहला भाग जीता, ठीक है। देवल, ठीक है, फिर जीता पता है नीरुन, सहवान, सीसम, सीसम, फिर दावत, ये देखें जर देवल जीता, नीरुन जीता, सहवान जीता, सीसम जीता, फिर रावल, रावल आया तो रावल में युद्ध हुआ और रावल में किसके साथ युद्ध हुआ, दाहिर के साथ, और दाहिर के साथ 712 एडी में युद्ध हुआ और दाहिर युद्ध के मैदान में ही वीरगति को प्राप्त किया। रावल में किसके साथ युद्ध हुआ, दाहिर के साथ युद्ध हुआ और दाहिर युद्ध के मैदान में ही वीरगति को प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर आगे गया ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद में दाहिर के बेटों के साथ युद्ध हुआ, फिर वहां भी ये जीता, जीतने के बाद ये आगे तक जा रहा, ठीक है, आगे तक जा रहा था, जहां जाता उधर मुल्तान उल्तान इसने पूरा जीत रहा, इधर जीतने के बाद इसने जितना जीता, अब जो भी लूटते थे इसके सैनिक, हम लोगों के यहाँ पहले आज से लगभग 10 साल पहले की बात करते हैं, 10 साल के अभी की बात कर लो, गांव में किसान की बात करते हैं, जिसके पास जमीन कम है वो क्या करता है, खेती करता है, सुबह खेत देखाता है, शाम को चला जाता है, उसके बाद क्या वो खेत पे गांव में कहीं बैठा मिलेगा, झुंड में ताश खेलता मिलेगा, कहीं काम करते हुए सक्रियता से मिलते हैं नहीं मिलते। हम लोग अपने गाँव जाते देखते हैं सब लोग बैठे हैं, एक चटिया लगाए बात कर रहे हैं, अगर उसी खेत को वाच किया जाए, अंतर देखो ना, अगर इधर आप बिलग्राम साइड में चले जाइए, बिलग्राम अभी गेहूं कटेगा, मक्का एक फसल, दूसरी फसल मक्का की होगी, उसके बाद अगर मक्का दूसरी फसल नहीं होगी तो मूंगफली होगी, मूंगफली के बाद पता है
तुरंत मटर होगी और मटर के बाद तुरंत क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। और इधर मूंगफली भी, और बहुत से लोग इधर आप देखेंगे इधर क्या होता है, केवल दो ही फसल, एक गेहूं का हो जाएगा, एक रबी एक खरीफ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। धान हो गया तो हो गया, ईश्वर के हवाले। किसान क्या करता है, बैठ रहता है। परंतु ज्यादातर पहले हमारे देश में क्या उतना उत्पादन होता था जितना खाली जमीन क्या थी, जमीन ऐसी पड़ी रहती, समझिए ना। जो गेहूं था, यहाँ सिंधु प्रांत की बात कर रहे हैं, जो गेहूं था जितना भी गोल्ड वगैरह था सब कौन लेकर के चला गया, ठीक है, सब लेकर के चला गया मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का मन हुआ कि चलो यही रुके, समझिए ना, मोहम्मद बिन कासिम का मन हुआ यही रुके, तो उसने जितना भी लिया वो सबका सब उसने क्या किया, वह बेच दिया, ठीक है। उसके पास खाने के लिए नहीं बचा तो उसने यहाँ पर एक नया कर लगाया, जजिया। उसने एक नया कर लगाया जिसे क्या कहा गया, जजिया कर कहा गया, ठीक है। हम एक नया टैक्स लेंगे और वो टैक्स कौन सा होगा, जजिया कर। जजिया कर तुमसे पूछे, जजिया कर किस पे लिया जाता था, क्या किसे नहीं, जजिया कर ब्राह्मणों पे लिया जाता था, नहीं गैर ब्राह्मणों पे नहीं, आप शब्द सही कहा, गैर मुसलमानों पे। वैसे जजिया कर पता है लिया जाता था अगर बोले जिगमी पर, ठीक है, शायद आपने नहीं सुना होगा। जिगमी क्या होता था, जिगमी जरा क्या था, इधर जिगमी क्या था, जैसे जो इस्लामिक देश है वहां पर इस्लाम धर्म का के मानने वाले होंगे, और जो गैर इस्लाम के मानने वाले हैं उन्हें जिगमी बोला जाता था, और जिगमी से एक टैक्स लिया जाता था कि वे अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, अपने धर्म का पालन जैसे करना चाहे जीवन यापन कर सकते हैं, परंतु उन्हें एक कर देना पड़ेगा, उसका कर क्या नाम था, जजिया कर। वैसे हम क्या कहेंगे, जजिया कर, इधर गैर मुसलमानों पर लिया जाने वाला कर नाम था जजिया कर। इसी प्रकार भारत का एक हिंदू राजा हुआ जिसने कहा कि हमारे राज्य में अगर कोई मुसलमान रहेगा तो उसे एक टैक्स देना पड़ेगा, जिस टैक्स का नाम था पुरुष को दंड, नोट कर लीजिए। गहड़ वालों ने अपने राज्य में, हाँ, ने अपने राज्य में रहने वाले मुसलमानों से तुरुस्त दंड लिया, तुरुस्त दंड नामक भी कर लिया था, या जजिया कर की तरह भी होता, या जजिया कर की तरह भी होता। जरा जजिया कर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा इधर। तो जजिया कर शुरुआत कहाँ की गई, सिंधु प्रांत में। शुरुआत करने के पीछे रीजन क्या था, जजिया कर को गैर मुसलमानों पे लिया जाता था, हमारे यहाँ कोई मुसलमान थे नहीं, इधर हमारे यहाँ कोई मुसलमान थे नहीं, अगर मुसलमान होते तो उसे कौन सा कर मिलता, जकात मिलता, सदका मिलता, मिलता कि नहीं मिलता, हमारे यहाँ तो कोई मुसलमान थे नहीं तो उसे क्या मिल जाता, अगर मुसलमान होते जकात मिलता, उसे सदका मिलता, तो कोई ना कोई टैक्स मिलते। तो उसने क्या किया, एक टैक्स लगाया गैर मुसलमानों पर लगाया, जिसे क्या कहा गया, जजिया कर। किसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। इधर उसके बाद क्या हुआ, यही दिल्ली सल्तनत शुरू हो गया। दिल्ली सल्तनत में इसका हमें विस्तार देखने मिलता है किसके समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय में। वेरी गुड, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि ब्राह्मणों पर भी ताज जजिया कर लगाएंगे। अभी तक ये टैक्स जो था
वो ब्राह्मणों पर नहीं दिया जाता था। ये फिरोज शाह तुगलक ने क्या कर दिया, कहा कि नहीं भाई ब्राह्मणों पर भी दिया जाएगा। नोट कर ले, फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया जाएगा। इधर अब इसी समय की बात है, ब्राह्मणों ने क्या किया, विरोध किया। फिर दिल्ली के अमीरों ने कहा नहीं कि तुम्हारी जगह जजिया कर हम दे देंगे, ठीक है। पर फिलहाल ब्राह्मणों पर जजिया कर की शुरुआत किसने की, फिरोज शाह तुगलक ने। इधर फिरोज शाह तुगलक के बाद में अगर हम बात करें तो नहीं, अकबर ने इसको समाप्त करने का प्रयास किया, ठीक है। अकबर ने समाप्त किया, फिर लगाया, फिर समाप्त किया। अरे सुनो बताइए ना, भारत में सबसे पहले किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया, कोई भी बताए। भारत में सबसे पहले किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया, मुबारक साहब नहीं, मोहम्मद शाह रंगीला। तुम्हारे मोहम्मद शाह रंगीला तुम कहां पर पहुंच गए, उसे उससे पहले तो अकबर ने समाप्त किया। बताएं नहीं पता, किसी को नहीं पता। बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन, नोट कर लें, बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन, बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन शासक अलाउद्दीन हसन ने उसे कर दिया समाप्त, सबसे पहले। इधर अगर बात करें अकबर ने, अकबर ने इसे सबसे पहले समाप्त कब किया पता है, अकबर ने समाप्त किया 1574 में, 1575 में फिर लगाया, और 1500 फिर हटाया 64 में, क्या किया हटाया, 75 में लगाया, और 79-80 में फिर हटा, ठीक है। फिर इसके बाद कौन आता है, अगर देखें मुख्य रूप से फिर लगा दिया औरंगजेब, औरंगजेब के बाद में फिर लगाया जहांदार ने, जहांदार वही जहांदार जिसका नाम क्या है लंपटपुर, ये लंपट मूर्ख के बाद में पता अगला शासक धनित कायर, धनित कायर कौन है, फरुखसियर, फरुखसियर ने लगाया नहीं, पहले हटाया फिर लगा दिया, फिर इसको बिल्कुल हटा दिया, किसने, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला का असली नाम क्या था, अरे क्या बताया, मोहम्मद शाह रंगीला तो उपनाम है, असली नाम क्या था, जहादार मुक्त हो, जहादार था आपको लंपट मुक्त कर, मोहम्मद शाह रंगीला का नाम क्या था नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, बहुत बात गलत है, तुक्का लगाने से काम नहीं चलेगा है। देख इधर देखिए, माइनस मार्किंग, इधर और दिन में बताए, इधर इस समय UPPCS का फॉर्म आ चुका है, अप्लाई कर दो, और सबसे पहले OTR कराना पड़ेगा, और उन्हें इंतजार ना करें, जल्दी जल्दी तुक्का लगाने से काम नहीं चलेगा, बताइए लिख ले, रोशन अख्तर, रोशन अख्तर, रोशन अख्तर, रोशन, वजीर राइटर, जो सिंध प्रांत था, जैसे इसने टैक्स लगाया जजिया कर, और जजिया कर लगाने के बाद यहाँ के जो लोग थे,
अब लोगों से इसने प्रेशर डाला कि भाई अब जजिया अगर नहीं देना चाहते हैं तो आप क्या करें, इस्लाम से इनकार कर दें। तो लोगों ने क्या किया, जो एक दयालु प्रवृत्ति के इंसान थे, जो समझौतावादी थे, उन लोगों ने क्या किया, चलो कोई बात नहीं धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। जो कट्टर थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। अब लोगों ने क्या किया, बहुत से ऐसे लोग थे भाई घर में खाने के लिए नहीं है, वो तो ले गया, तो उसने कहा कि नहीं कोई बात नहीं है, हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, हम इंतजार करेंगे। ठीक है, तो इंतजार करते रहे। अब उस समय के जो देखे ना, ये आप सोच रहे हम अपने बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम सब अपने विषय में पढ़ रहे हैं, हम अपने पूर्वजों के विषय में पढ़ रहे हैं, अपने पूर्वजों के विषय में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब वो जो आए थे मोहम्मद बिन कासिम और उनकी सेना, वो हम लोगों के घर में रहने लगी। ठीक है, हम लोगों के घर में रहने लगी, उनके द्वारा जो बच्चे हुए, ठीक है, उनके द्वारा जो बच्चे हुए, फिर ये लोग जब वापस चले गए तो उनके साथ किसी ने विवाह नहीं किया, ठीक है, उनको अपने में मिलाया नहीं गया, तो उनमें भी क्या रहा, धीरे धीरे अलगाव होता रहा, धीरे धीरे क्या हुआ तो होता रहा, अलगाव की एक स्थिति आती रही, और वही अलगाव की स्थिति आगे चल करके तो आप विकराल रूप में देखते हैं इधर। तो यहाँ पर जो सिंध प्रांत है, यहाँ से जब ये चला गया वापस, मोहम्मद बिन कासिम जब बुला लिया गया, बुलाने के बाद में धीरे धीरे मध्य एशिया में एक पोजीशन भी आ गई थी, बड़ी भयानक पोजीशन थी, क्योंकि व्यक्ति खाने के लिए तरसता था, तो व्यक्तियों के बीच में बहुत ज़्यादा युद्ध हो रहे थे। उसमें इस्लाम में कहा जाता है व्यक्ति को दफनाया जाता है, और वैसे क्या है अन्य में क्या है ज़्यादा हम लोगों में क्या होता, जलाया जाता है। तो लोग क्या करते थे, एक दूसरे की कब्र जाते थे, कब्र खोदते थे, उसके पूर्वजों की अस्थियाँ निकालते थे, उन्हें जलाते थे, मैंने तुम्हारे बाबा को जला दी, वो दूसरा गुस्सा था नहीं मैंने तुम्हारी दादी की अस्थियाँ जला दी। ठीक है, इस प्रकार का थोड़ा एक भयानक माहौल पाया गया मिडिल एशिया में। ठीक है, तो ये मोहम्मद बिन कासिम तुम्हारा यही तक। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे तुर्क आक्रमण। ठीक है, तुर्क आक्रमण में सबसे पहले महमूद गजनवी थी, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, समझिए कहानी, मिडिल एशिया में एक समानी साम्राज्य था, और इस साम्राज्य में एक सूबेदार तरीके से जो है गवर्नर कहे एक अल्पतीय था। ठीक है, अल्पतीय था उस साम्राज्य में, साम्राज्य का जो शासक था उसका निधन हो गया, निधन हो जाने के बाद शासक का जो पिता था और उसका भाई, दोनों लोग सोचने लगे, शासक का जो पुत्र था और उसका भाई, शासक का भाई था, दोनों के बीच में कंडीशन हुई पुत्र भाई के बीच में। ठीक है, शासक का एक तरफ पुत्र है और एक तरफ उसका भाई है कि हम शासक बनेंगे, हम शासक बनेंगे। तो इनके बीच में युद्ध की स्थिति आई, तो जितने गवर्नर थे सब गवर्नरों को बुलाया गया। ठीक है, सभी गवर्नरों को बुलाया गया, तो गवर्नरों ने एक दूसरे का समर्थन किया, तो समर्थन में क्या हुआ, इसने समर्थन किया इनका जबकि जीता कौन, इसका पुत्र। तो ये क्या करता है, समानी साम्राज्य को छोड़ करके भाग निकलता है, और भागते हुए तुर्कमेनिस्तान चला जाता है। तुर्कमेनिस्तान, जैसे नहीं कि तुम अपने ननिहाल में ज़्यादा समय तक रहोगे तो लोग तुम्हें समझेंगे आप इसी गांव में रहने वाले हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ, ये तुर्कमेनिस्तान चला गया और ज़्यादा समय तक तुर्कमेनिस्तान में रहा, तो इसे लोग क्या कहने लगे, तुर्क तुर्क कहने लगे। ठीक है, तो इसने, इसका एक दामाद था, दामाद क्या, दास था। ठीक है, यहाँ पर जब दास की बात करेंगे, दास का मतलब ये नहीं होगा वो घर में काम करने वाला, पोछा लगाने वाला। ठीक है, दास का मतलब क्या होगा, एक योग्य व्यक्ति, एक योग्य व्यक्ति जिसे व्यक्ति अपने साथ रखता। ठीक है,
दासों का व्यापार होता था उस समय मिडिल ईस्ट में, ठीक है। तो इसका एक दास था, दास का नाम था सुबुक सिकुर, ठीक है, नोट कर ले सुबुक सिकुर दास का। इसने क्या किया, इसी के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, ठीक है, पुत्री का विवाह कर दिया। अब पुत्री का विवाह किया तो दामाद हो गया, ठीक है, सुभुक्त के। और सुभुक्त वीर के दो बेटे थे, ठीक है, बड़े बेटे का नाम था, ठीक है, महमूद, और छोटे बेटे का नाम था इस्माइल। महमूद और इस्माइल, समझिए जरा, सुभुक्त गिन के दो बेटे थे, बड़े बेटे का नाम था महमूद और छोटे बेटे का नाम था इस्माइल। जो सुभुक्त गिन था वो ज्यादा चाहता था किसे, इस्माइल को ज्यादा चाहता था। यही कहा करता था कि हमारे न रहने के बाद, हमारे न रहने के बाद हमारा जो छोटा बेटा है वो राजा बनेगा, हमारे न रहने के बाद में हमारा छोटा बेटा जो है राजा बनेगा। उसने अर्थात कहे सुभुक्त गिन ने अपना उत्तराधिकारी, इधर सुभुक्त गिन ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा, इस्माइल होगा, ठीक है। होता क्या है, इसने एक बार, इधर इधर देखिए जरा, इसने एक बार भारत पर आक्रमण किया सुभुक्त गिन, और भारत पर आक्रमण किया यहाँ इस पश्चिमोत्तर प्रांत में, पश्चिमी प्रांत में, पश्चिमोत्तर प्रांत में, और यहाँ का राजा था जयपाल। समझिए जरा, अभी अच्छा लगेगा ये थोड़ा, जब आप आएंगे गौरी और ही पढ़ेंगे ना दिल्ली सल्तनत, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो जयपाल यहाँ का राजा था, इधर जयपाल यहाँ का राजा था, इसने आक्रमण किया सुभुक्त गिन ने, तो क्या हुआ, जयपाल ने इसे बंदी बना लिया सुभुक्त गिन को, और बंदी बनाने के बाद में इसने बड़ा रिक्वेस्ट की तो जयपाल ने छोड़ दिया। जयपाल ने कहा जा, तुझे जीवन दान देते हैं, पर याद रखना ना कभी भारत की तरफ देखना भी है, ठीक है। अगर इसे मार दिया जाता, इधर इसे अगर मार दिया जाता तो शायद जो है यहाँ वो इस्लाम की पोजीशन ना हो, परंतु क्या किया गया, इसे उसने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद कुछ समय के बाद इसकी वृद्धि हो गई, इधर कुछ समय के बाद इसकी वृद्धि हो गई, और मृत्यु हो जाने के बाद जिसका जो बेटा था इधर इस्लाम इस्माइल, इस्माइल जो है राजा बना। जैसे इस्माइल राजा बना, राजा बनने के बाद ये गया बड़ा भाई गया कि भाई ऐसा करो ना, पिताजी ने न्याय नहीं किया, कम से कम तुम ही न्याय करो, कुछ राज्य हमको भी दे दो। तो इसने कहा नहीं, तुम्हें पता नहीं पिताजी क्या कह के गए कि बड़ा बेटा खराब है छोटा बेटा अच्छा है। फिर उसके बाद इसने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा करो 6-6 महीने बांट लिए जाए, हम राज्य नहीं, 6 महीने तुम राजा रहो, 6 महीने हम राजा रहे। इसने कहा बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें 1 महीना भी राजा नहीं बनाएंगे। फिर इसने कहा कुछ भी नहीं भैया, ऐसा करो ना कुछ कम गांव ही दे दो पांडवों की तरीके से, हम राजा बन जाए। उसने कहा बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसे एक दिन गुस्सा आई, इसने इन्हें मारा, मार करके जेल में बंद कर दिया, ठीक है। जेल में बंद करने के बाद ये स्वयं राजा बन गया, ठीक है, स्वयं राजा बना। और राजा जब बन गया, ठीक है, और गजनवी क्षेत्र का, पूरे क्षेत्र का, ठीक है, अफगानिस्तान के पास गजनवी क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र का ये राजा बन गया। जब ये राजा बना तो बता बगदाद के खलीफा के पास, खलीफा के पास गया तो इसने सबसे पहले सुल्तान की पदवी धारण, अगर तुमसे पूछा जाए सुल्तान की पदवी धारण किसने की, सबसे पहले महमूद गजनवी ने सुल्तान की पदवी धारण। सुल्तान ये आजम कहलाया, सुल्तान ने आजम कहलाया। सुल्तानी आजम कहलाया, जरा समझिए इधर, सुल्तानी आजम कहलाया, बगदाद के खलीफा से इसने सुल्तान की पदवी धारण की और सुल्तानी आजम कहलाया। इधर बगदाद के खलीफा ने कहा इससे
कहा कि तुम्हें हम सुल्तान की पदवी दे रहे हैं और तुम भारत पे आक्रमण करना। इसने कहा भारत तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे क्योंकि मेरे पिता को जयपाल ले आया। तो इसने सबसे पहले जयपाल के राज्य पर आक्रमण किया। ठीक है, जरा तुम पढ़ते रहते होगे कि सभी ईयर में अंतर पढ़ते होगे। इधर जैसे 1000 में आक्रमण हुआ पहला, 1001 पढ़ते रहे हो, पढ़ते होगे। ठीक है, किसी ने सही बताया नहीं होगा। इधर ये एक ऐसी सेना संगठित करके युद्ध नहीं करते थे, ये एक तरीके से लुटेरे थे। लुटेरे कब आते थे? इस समय मौसम साफ है, इस समय नहीं आते थे। ठीक है, लुटेरे कब आते थे पता है? सर्दियों के मौसम में, फरवरी में नहीं आते थे, सर्दियां शुरुआत होती थी। ठीक है, जैसे ये अक्टूबर नवंबर में आते थे और जाते कब थे? मार्च में यहाँ से चले जाते थे, लूट के मार्च में चले जाते थे। तो ईयर क्या, ईयर दो ईयर हो गए ना, 1000 में आया, 1001 में जा रहा, समझिए। इधर आया कब? ये आते थे सर्दियों के मौसम में, अर्थात कहेंगे क्या, ये जब एक ईयर समाप्त होता था, दूसरा प्रारंभ होता था, उस समय ये लोग आते। ठीक है, तो इसने सबसे पहले क्या किया, गजनवी ने इधर जयपाल के राज्य पर आक्रमण किया। और जयपाल के राज्य पर आक्रमण करने के बाद जीत लिया, जयपाल को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद जयपाल से पता क्या कहता है? जयपाल से कहता है, जा तूने मेरे पिताजी को जीवन दान दिया था, मैं भी तुम्हें जीवन दान देता हूँ, जा जी ले जा। भैया जयपाल, जयपाल को पूरी रात नींद नहीं आई। जयपाल वही सोचता रहा, मैंने जिसके पिता को मारा था आज उसका बेटा मुझे मार के चला गया, मैंने जिसे जिसके पिता को मारा था आज उसका बेटा मुझे मार के चला गया। जयपाल पूरी रात जगता रहा। जयपाल ने अपने सैनिकों से कहा एक चीता का पकड़ लेता हूँ, आप चला। भैया बड़ी डबरियाँ आई, चीता का प्रबंध हुआ और जयपाल उसी जलती हुई आग में चला गया। जयपाल ने आत्महत्या, समझ गए, जयपाल ने क्या कर दिया, जयपाल ने आत्महत्या। महमूद, देखिए महमूद गजनवी का पहला आक्रमण 1001 में, एक हजार एक में शाहियों पर हुआ था। तब 1001 में महमूद गजनवी को विजय मिली, महमूद गजनवी को विजय मिली और जयपाल ने आत्महत्या की। एक हजार चार में उसने मुल्तान जीता और मुल्तान को ही लैंड ऑफ द गोल्ड कहा जाता था। 1004 में मुल्तान जीता, 1009 में पंजाब जीता, 1010 में नगरकोट जीता, 1013-14 में त्रिलोचन पाल को हराया, 1014 में थानेश्वर लूटा, 1015 में कश्मीर पर आक्रमण किया, 1019
जरा ये सुनो, एक हजार उन्नीस इधर पहले राजा लोग क्या करते थे, एक दुर्ग बनाते थे और दुर्ग को चारों तरफ से दीवार के माध्यम से, चार दीवारी के माध्यम से बंद कर दिया जाता था, गेट हुआ करते थे, ज्यादातर चारों तरफ गेट हुआ करते थे, इधर सेना सब इसी के अंदर खाद्यान्न वगैरह ज्यादा रख लिया जाता था, अगर कोई आता था तो घेर करके बैठता था, इधर लगभग उसे छः छः महीने घेरने का समय लगता था, फिर ये लोग विवश हो जाते थे तब गेट खुलता था, फिर तब युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद जो जीतता था वो राज्य करता था। इधर इधर राहुल, यहाँ क्या हुआ, इसने कलिंजर का किला घेर लिया और कलिंजर का किला इसने जब घेरा महमूद गजनवी ने, यहाँ का राजा विद्याधर चंदेल था, विद्याधर चंदेल के साथ इसे लग गया, गजनवी को लग गया अगर यहाँ युद्ध होगा तो हार जाएगी। पहली बार गजनवी मजबूर हुआ था संधि करने के लिए, तो कलिंजर के किला, कलिंजर का किला पूछा जाता कहाँ पड़ता है, कहाँ, बदायूं, बदायूं कलिंजर का किला बांदा में पड़ता है, नोट कर लें, कलिंजर का किला कहाँ है, बांदा में, एग्जाम में पूछा जाता है। और इसने क्या किया, कलिंजर के किले यहीं पर इसने क्या किया, संधि कर ली, संधि कर ली। अरे ये वही दुर्ग है कलिंजर का दुर्ग, शेरशाह सूरी, समझो इधर इधर शेरशाह सूरी जब यहाँ आया कलिंजर के दुर्ग में, कब बताइए जरा, 1545 में शेरशाह सूरी तोपों के साथ में आया और तोप के लिए गोले सब एक जगह रखे हुए थे, शेरशाह सूरी वही गोलों के पास खड़ा हुआ था और उसने आदेश दिया कि ऐसा करो ना, इसका गेट उड़ा दो, कलिंजर का दुर्ग उड़ा दो, इसका गेट खुलना चाहिए। बहुत समय तक इंतजार किया, जब गेट नहीं खुला तो इसने कहा गेट उड़ा दो, तोप के गोले से उड़ाने का आदेश दे दिया इसने, और जैसे ही तोप से गोला दागा गया और गोला दीवार से टकराया, टकरा करके वो गोला बैक हुआ, पता क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार कहाँ गिरा करके, जहाँ गोले रखे थे, ठीक है, और वही पर शेरशाह सूरी बुला था, वो गोलों में विस्फोट हो गया और शेरशाह सूरी पूरा पूरा चल गया, ठीक है। फिर उसने अपने सैनिकों से कहा कि हमारी अंतिम इच्छा यही है कि हम ये देखना चाहते हैं विजय मिल जाए हमारे सामने, क्योंकि जो जल जाता है, अगर ये आपका ऊपर का भाग जल गया तो आप ये सोचे बचने के चांस बहुत कम है, वही मान लो 0.01% ही बच पाएगा, बचने के चांस बहुत ही कम, ठीक है, अगर ऊपर का भाग जल गया, ठीक है, तो उसका क्या पूरी बॉडी जल गई, तो फिर उसने कहा अच्छा मृत्यु इतनी जल्दी होती नहीं, लगभग व्यक्ति 2-3 दिन तक तड़पता रहता, तो उसने कहा हमारी इच्छा यही है कि हम विजय देखना चाहते हैं, फिलहाल फिर इसे विजय कलिंजर के बोले, ठीक है। तो इसने ये भी जीता, उसके बाद उसने क्या किया, 1025 दिन सोमनाथ मंदिर, हाँ सोमनाथ मंदिर पहुँचा, देखिए 1025 में सोमनाथ मंदिर पहुँचा। अब सोमनाथ मंदिर से पता है बहुत ज्यादा ही लूट के जा रहा था, ठीक है, 1027 की बात करते हैं, सिंध प्रांत के जाटों ने इसे लूटने का प्रयास किया, समझे इधर, सिंध प्रांत के जो जाट थे, जाटों ने इसे लूटने का प्रयास किया, फिर जाटों के साथ युद्ध हुआ और फिर इसे ही विजय मिली, अर्थात सिंह ने टोटल भारत को पता है 17 बार लूटा, इसने टोटल भारत को कितनी बार लूटा, इसने टोटल भारत को 17 बार लूटा, ठीक है, देखिए 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके साथ आने वाले इतिहासकार कौन थे, फिरदौसी, चलो फिरदौसी देखो, इसके साथ आने वाले इतिहासकार कौन थे, फिरदौसी,
लेकिन फिर दोस्ती एक नाम से फिर दोषी ने एक पुस्तक लिखी जिससे कहते हैं क्या नहीं शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। अब जरा समझिए गजनबी ने एक बार फिरदौसी से मुलाकात की। गजनबी की उसने फिरदौसी से कहा कि ऐसा करो ना तुम एक ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें बखान किया गया हो हमारा, ठीक है, हमारे बारे में पूरा बढ़िया से लिखो, ठीक है। तो उसने कहा गजनबी ने अगर तुम लिखोगे तो हम तुमको पता है 60,000 इधर 60,000 तुम्हें हम स्वर्ण मुद्राएं देंगे, 60,000 में स्वर्ण मुद्राएं देंगे। भाई फिरदौसी बोला ठीक है हम तुम्हारा लिखते हैं। लिख करके इसने जो भाई कोई काम के लिए किसी को लालच दे दो ये करो अच्छा रहेगा। अभी किसी ने आप पढ़ते हैं ठीक है वीक हो जाते हैं, किसी न किसी टीचर के संपर्क में पहुंच जाते हैं, वो कहता नहीं आप पैसे तैयारी करिए, वो ज़्यादा वाच करने लगता है घर में, अगर माँ वाच करने लगती तो और आप पढ़ने लगते ज़्यादा। अब लालच में आपको पता है नौकरी लग गई बहुत अच्छे बन जाएंगे तो उस लालच में पढ़ते रहते प्रेरित होते रहते हैं। प्रेरित या तो आप स्वयं से हो या तो बाहर से प्रेरित हो, बाहर से क्या है पैसा है। तो ये भाई ज़्यादा प्रेरित हो गया, इसने क्या किया बहुत जल्दी से फिरदौसी ने शाहनामा लिख करके तैयार कर दी, समझे, शाहनामा लिख करके तैयार कर दी और जया गया गजनबी के सामने पेश कर दी कि लो मैंने शाहनामा लिख करके तैयार कर। गजनबी ने पढ़ी, पढ़ने के बाद उसने कहा कि भाई देखिए बहुत बढ़िया बड़ा बढ़ाई बढ़ाई होने के बाद उसने कहा भाई पैसा स्वर्ण मुद्रा है नहीं देंगे, और स्वर्ण की जगह हम चांदी के जो है आपको 60,000 मुद्राएं चांदी की देंगे। तो फिरदौसी ने पता क्या किया, वो 60,000 चांदी के सिक्के जो थे वो लेने से मना कर दिया। कभी कभी तुम रिक्शे पर बैठ जाते हो, रिक्शे वाला कहता नहीं हमको 50 रुपये चाहिए, तुम कहते नहीं 30 रुपये लेना हो तो लो नहीं तो लो, तो मजबूर हो जाता है, उसे लगता है ये 30 भी नहीं देंगे तो कहता लाओ भाई 30 ही दे दो। तो गजनबी ने कहा अगर तुम्हें लेना है तो चांदी के सिक्के ले, 60,000 सोने की मुद्रा नहीं होने वाली। तो पता है इसने क्या किया, इसने फिरदौसी बिल्कुल मना कर दिया मुझे नहीं चाहिए और मैं स्वर्ण मुद्रा के अलावा बिल्कुल नहीं लेने वाला, भैया ये चला गया। गजनबी ने बहुत समय तक इंतजार किया, ये कभी लेने के लिए नहीं आया। फिर गजनबी ने एक बार अपना दूत भेजा और दूत के साथ में उसे स्वर्ण मुद्राएं दी 60,000 और कहा कि ठीक है हमें माफ़ करे और माफ़ी मांग देना हमारी तरफ से और उसे जाओ स्वर्ण मुद्राएं दिया, ठीक है 60,000 स्वर्ण मुद्राएं। जब इसके दूत पहुंचे, गजनबी के दूत पहुंचे स्वर्ण मुद्राएं लेकर के उसके घर के पास, ठीक है, तब पता चला उसका जो है एक जनाजा जा रहा, अर्थी जा रही थी, तो जय जनाजा जा रहा था। उसने पूछा भाई लोगों से कि भाई फिरदौसी का घर कौन सा है, तो बताया फिरदौसी की तो जा रहे हैं देखिए। तो उसे लगा कि चलो फिरदौसी नहीं है, फिरदौसी की बेटी मिलेगी, बेटा मिलेगा। तो उसकी एक बेटी थी, वो उस अपनी उसकी बेटी के पास गया और जाकर कहता है ये लीजिए स्वर्ण मुद्रा है, ठीक है ये आपके पिताजी के लिए है जिन्होंने शाहनामा की रचना की थी, ठीक है, और स्वर्ण मुद्राएँ की जगह चांदी की मुद्रा सुल्तान दे रहे थे और सुल्तान को अपनी गलती का आभास हुआ तो उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं दे दी। तो बेटी पता बेटी उससे और एक कदम आगे निकली, बेटी ने लेने से मना कर दिया, जब पिताजी ही नहीं रहे तो हम स्वर्ण मुद्रा नहीं पाते, ठीक है लेना या लेने न लेना पिताजी का निर्णय था। तो बेटी ने भी वो स्वर्ण मुद्राएं वापस कर, ऐसा जैसा एक कदम है। इसके विषय में पूछा जाता है इसकी पुस्तक का नाम क्या था, शाहनामा।
और जिसे क्या कहा जाता है, अफगानिस्तान का महाभारत, जिसे अफगानिस्तान का महाभारत समझ रहे। लिख लीजिए अगला नाम अलबरूनी। पता है पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान समझिए, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। अगर पूछे इसका नाम क्या था, अबू रेहान। अबू रेहान संस्कृत का अध्ययन करने वाला, इधर पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था और संस्कृत सीखने वाला भी पहला मुसलमान था। नोट कर ले, संस्कृत सीखने वाला भी पहला मुसलमान था। और इसकी पुस्तक का नाम क्या था, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद या भारत की खोज। पता है इसने लगभग 113 पुस्तकें लिखी, इधर लाहौल इसने लगभग 113 पुस्तकें लिखी। नोट कर ले, इसने लगभग 113 पुस्तकें लिखी। अलबरूनी ने लगभग 113 पुस्तकें लिखी। ठीक है, देखिए उत्वी, उत्वी एक था दरबारी इतिहासकार। उद्वी जो था वो दरबारी इतिहासकार था और उसकी पुस्तक का नाम था तारीख ए यामीन, तारीख ए यामीन। इनका वंश था यामिनी, इसलिए वंश के नाम पर तारीख ए यामीन। और एक बैहाकी था तारीख ए सुबुकदीन, देखिए बैहाकी तारीख ए सुबुकदीन, तारीख ए सुबुकदीन, तारीख ए सुबुकदीन। ठीक है, अब अगली क्लास में यही से आगे बढ़ेगा।